नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला पर आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि पर, जिसका नाम है आरोग्यवर्धनी वटी। आरोग्यवर्धनी वटी शब्द से ही समझ में आता है, आरोग्य का अर्थ होता है कि कोई भी रोग शरीर में ना हो, और आरोग्य का वर्धन करने वाली यानी आपकी स्वस्थता को बढ़ाने वाली। सीधी बात यह है कि आपके शरीर के रोगों को नष्ट करने वाली, आपके शरीर के रोगों को खत्म करने वाली ये दवा है, और आपके शरीर में जो आपकी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, आपको और भी स्वस्थ बनाने के लिए ये दवा है। दोस्तों, ये जनरली बहुत सारे रोगों में प्रयोग की जाती है, पेट के सारे रोगों में इसका प्रयोग होता है। एसिडिटी है, भूख ना लगना है, खाना ना पचना है, शरीर में खाना ना लगना है, अफारा, गैस, अम्लपित्त और आंतों में सूजन, दर्द, साथ में अल्सर्स वगैरह हो जाना, इन सब में कॉन्स्टिपेशन होना, दस्त लगना, इन सभी चीजों में। सेकेंडली, स्किन की जो भी डिसीजेस हैं उन सब में, चाहे वो कुष्ठ हो, सफेद दाग हो, चर्म रोग हो और मुहासे हो, या किसी भी प्रकार की स्किन की डिसीज है उसमें, कुष्ठ में, कोढ़ में इसका प्रयोग, लेप्रसी में इसका प्रयोग किया जाता है, साथ में कैंसर में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है मूत्र रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, मोटापा में इसका प्रयोग किया जाता है, पथरी, किसी भी प्रकार की पथरी है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, हृदय रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, कहीं पर आपके नसों में, चाहे हार्ट की नसों में, चाहे कहीं पर भी, यदि नसों में इंटरनली यदि ब्लॉकेज है, थक्का जमा है, तो उसको खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़ रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेशाब सही ढंग से नहीं उतरती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और अर्श में यानी कि पाइल्स में, फिस्चुला में, फिशर में, और भी न जाने कितने रोगों में इसका यूज होता है। साथ ही जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, जो शरीर में जो ग्लैंड्स होती हैं, चाहे एंडोक्राइन हो, है ना, चाहे एक्सोक्राइन हो, एंडोक्राइन हो, मिक्स ग्लैंड्स हो, उन सब की जो खराबी है उसको भी ठीक करता है, शरीर में पोषण बढ़ाता है, शरीर में जो ग्रंथियां हैं, चाहे थायराइड, पिट्यूटरी, कोई भी ग्लैंड है, उसको सही करता है, ताकत लाता है, कमजोरी खत्म करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे इसके प्रयोग हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आरोग्यवर्धनी वटी पर है, जो कि आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। तो अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और कई व्यक्तियों के दुखों को पूरी तरह खत्म कर सकता है। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए घंटी का निशान जरूर दबा दें, तभी आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल पाएंगे। और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक व्हाट्सएप पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल के थ्रू शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। जैसा कि मैंने परिचय बताया आपको आरोग्यवर्धनी वटी का, बहुत ही उत्कृष्ट दवा है आयुर्वेद की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इसके विषय में बताने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके घटक क्या क्या होते हैं। तो इसके घटक हैं दोस्तों, शुद्ध पारद इसमें मिलाया जाता है, किसी भी प्रकार से किसी के भी कहने पर बिल्कुल भी भयभीत ना हो कि इसमें पारा मिला होता है, शुद्ध पारद होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी औषधि है और आयुर्वेद की अधिकतर दवाइयों में होता है और पूरी तरह रोगों को नष्ट करता है। शुद्ध पारद यानी इसको शोधित किया जाता है, बहुत सारी विधियों द्वारा इसको शोधित किया जाता है, स्थिर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसके बाद जो शोधित पारद है वो मिलाया जाता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है यदि सही मात्रा में लिया जाए तो। फिर इसमें शुद्ध गंधक मिला होता है, लोह भस्म होता है इसमें, अभ्रक भस्म होता है, ताम्र भस्म होता है, हरित की होती है, विभीत की होती है, आमल की, हरित की यानी हर, विभीतक यानी बहेड़ा, आमल की यानी आंवला, और शिला जतु यानी शिलाजीत होता है, गुग्गुल का निर्यास होता है, चित्रक होता है, कुटकी, कुटकी सबसे ज्यादा मात्रा में होती है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसके सेवन करने से मल, काला मल निकलता है, तो उसमें भी नहीं घबराना, काला मल निकल रहा है मतलब आपके शरीर की जमी हुई गंदगी निकल रही है,
वो अच्छा साइन है, उसमें घबराना नहीं। कई पेशेंट इसी में घबरा जाते, सर काला मल आ रहा है, तो भाई वो जो गंदगी आंतों में जमी है, जो पाचन तंत्र में आपके गंदगी है, उसको निकाल रहा है। जब तक वो नहीं निकलेगा, जब तक आपका मटमैला कपड़ा से मैल नहीं निकलेगा, तब तक दूसरा रंग उस पर कैसे जमेगा। उसी प्रकार जब तक शरीर से मल नहीं निकलेगा, तब तक दवाइयों का असर आप पे कैसे होगा। इसलिए निकलना आवश्यक है, परेशान ना हो, ठीक है। नीम पत्र का रस जो है, नीम का रस जो है, उससे इसको घोटा गया है, तो थोड़ी सी कड़वी लगती है। शहद वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं, दूध के साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती खाने में, ऐसा कोई गंदा स्वाद नहीं होता है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं लाभ पर। तो सबसे पहले दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है मोटापे में। यदि आपका शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल गए हैं आप, बहुत ज्यादा आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, भले आप मोटे नहीं हुए हैं, या आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, जो थायराइड है उसमें हाइपोथायराइडिज्म है, जिसके कारण आपका शरीर मोटा हो रहा है, या आपको सूजन शरीर में दिखती है, तो उसमें आपको क्या करना है। यदि आपकी आयु 16 वर्ष से ज्यादा है और 60 वर्ष से कम है, 16 वर्ष से पहले वाले व्यक्तियों को आधी मात्रा जो भी दवाइयां बताएं उनका सेवन करना है, और 60 वर्ष से ज्यादा वाले व्यक्तियों को भी आधी मात्रा जो भी दवाइयां बताऊं उससे आधा सेवन करना है, ठीक है। तो 16 से 60 वर्ष यदि आपकी आयु है, तो दो गोली आरोग्य वर्धनी वटी, दो गोली मेदोहर गुग्गुल, दो गोली आरोग्य वर्धनी वटी, दो गोली मेदोहर गुग्गुल, एक कप गुनगुने पानी में दो चम्मच शहद मिलाकर, यदि आप डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक है तो शहद मत मिलाइए, खाने के दो घंटे बाद आपको सेवन करना है सुबह शाम, साथ में एक्सरसाइज करना है। सूर्य नमस्कार 15 से 20 मिनट सुबह शाम कर लें तो भी बहुत फायदा मिलता है। सूर्य नमस्कार के अलावा जो भी एक्सरसाइज और करना चाहते हैं वो कर लें तो मोटापे में बहुत फायदा मिलता है। लंबे समय तक इसका प्रयोग करिए, आपका वजन बहुत कम होने लगेगा, ट्राइग्लिसराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म होने लगेगा और आपको बहुत आराम मिलेगा, हाइपोथायराइडिज्म में भी बहुत आराम मिलेगा। दूसरा जो रोग मैंने लिखा हुआ है वो है पाचन तंत्र के विकार। चाहे आपको पेट में अफारे की समस्या हो, गैस की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, ठीक है, खाना नहीं लगता शरीर में उसकी समस्या हो, और मल सही ढंग से निकलता नहीं है, बंद के मल नहीं निकलता, दस्त लगते रहते हैं, आव पड़ता है, मरोड़ होता है, पेट में दर्द होता है, ठीक है, आंतों में जो है छाले पड़ गए, आंतें ढंग से काम नहीं कर रही हैं, या पेट में बहुत ज्यादा सूजन है, तिल्ली में सूजन है, और लिवर में सूजन है, स्प्लीन में सूजन है, जिसको स्प्लीनोमेगैली या हेपेटोमेगैली बोला जाता है, ठीक है, इवन लिवर सिरोसिस, इनमें इसका प्रयोग बहुत लाभदायक। इसमें कैसे आपको इसका प्रयोग करना है, दो गोली आरोग्य वर्धनी वटी, दो गोली महाशंख वटी, दो गोली शूल वर्जनी वटी, और 500 mg शंख भस्म, दो गोली आरोग्य वर्धनी वटी, दो गोली महाशंख वटी, दो गोली शूलवर्जनी वटी और 500 mg शंख भस्म, आपको सुबह शाम खाने के एक घंटे पहले एक कप पानी के साथ दो चम्मच गौमूत्र, गाय का मूत्र या गौमूत्र अर्क मिलाकर सेवन करना है। यदि गौमूत्र अर्क नहीं मिला सकते किसी कारण से, रिलीजियस या किसी भी कारण से, तो मत मिलाइए, केवल पानी के साथ इसका यूज खाने के दो एक घंटे पहले आपको सुबह शाम यूज करना है, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, मटर, बैगन, सेमी भिंडी नहीं खानी, एक्सरसाइज जरूर करना है, और खाने के तुरंत बाद केवल एक घूंट पानी, और खाने के डेढ़ घंटे बाद पेट भर के पानी पिए, तो इन सभी रोगों में आपको विशेष आराम मिलेगा। और यदि पेट में दर्द हमेशा बना रहता है, आंतों में सूजन है, उसके कारण दर्द है, अल्सर के कारण दर्द है, तो जहां दर्द होता है वहां पर दशांग लेप, एक चम्मच दशांग लेप थोड़े से गर्म पानी मिलाकर लगा लें, ऊपर से कपड़ा बांध लें, दो तीन घंटे तक बंधा रहने दें, ऐसा सुबह शाम करें तो वो दर्द भी बहुत जल्दी खत्म होने लगेगा। दोस्तों ये सारी दवाइयां जो मैं बता रहा हूं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो अमेजोन से डायरेक्टली आप घर बैठे बुलवा के प्रयोग कर सकते हो, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा त्वचा रोग, त्वचा रोग यानी कि पिंपल्स हो जाना, मुहासे हो जाना, त्वचा काली पड़ने लगना, ठीक है, या चकत्ते पड़ने लगना, खुजली होने लगना, दाद होने लगना, बिचर्चिका यानी सोरायसिस होने लगना, या एक्जिमा होने लगना, या किसी भी प्रकार का त्वचा रोग है, एलर्जी है या कुछ भी है, उसमें आपको दो गोली आरोग्य वर्धनी वटी, ठीक है, एक गोली गंधक रसायन, 500 mg रस माणिक्य, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के एक घंटे पहले एक कप पानी में
दो चम्मच गिलोय का जूस मिलाकर सुबह शाम सेवन करना है तथा शरीर पर जहां भी चकत्ते एक्जिमा और सारी चीजें हैं वहां पर महामरिच आदि तेल को अच्छे से मालिश करना है सुबह शाम और 2 से 3 घंटे लगे रहने देना है। तो सुबह शाम इन दवाइयों का प्रयोग खाने के घंटे पहले कर लें और महामरिच आदि तेल का प्रयोग कर लें। बाकी जो परहेज मैंने अभी पिछले उसमें बताया कि मिर्च मसाला खटाई सारी चीजें नहीं खानी, मूंग की दाल और सादा भोजन करना है, एक्सरसाइज करना, ये करना ही है, हर रोग में इनका परहेज करना है, तो आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा पोषक ग्रंथि, जो भी ग्रंथि है शरीर की, चाहे थायराइड है, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड है, चाहे शरीर की कोई भी ग्लैंड है, उससे जो सिक्रेशन होते हैं उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यदि वो सामान्य सिक्रेशन है, यदि वो ज्यादा होने लगा कम होने लगा तो शरीर में दिक्कत होने लगती है। तो क्या करना है आपको, 2 गोली कांचनार गुग्गुल, 2 गोली आपको लेनी है आरोग्य वर्धनी वटी तथा 2 गोली कैशोर गुग्गुल, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप गुनगुने पानी में 2 चम्मच सारी वाद्यासव मिलाकर सुबह शाम सेवन करना यदि आप डायबिटिक नहीं है। यदि डायबिटिक है तो केवल गुनगुने पानी के साथ सेवन करें, सारी वाद्यासव ना मिलाएं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मूत्र रोग पर। यदि पेशाब टपके पड़ते हैं पेशाब में, प्रोस्टेट की समस्या है, या बार बार पेशाब जाते हैं, खुल के पेशाब नहीं जाते, जलन होती है पेशाब में, तो 2 गोली आरोग्य वर्धनी बटी, 2 गोली टैबलेट हिमप्लासिया, हिमालय की 2 गोली टैबलेट हिमप्लासिया, 2 गोली आरोग्य वर्धनी बटी और 2 गोली शिला जितवादी बटी, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के 1 घंटे पहले 1 कप पानी के साथ सेवन करिए तथा खाने के 2 घंटे बाद सिर्फ नीरी KFT 2-2 चम्मच 1 कप पानी मिलाकर सुबह शाम सेवन करिए, बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, परहेज वही रहेंगे, दिनचर्या वही रहेगी जो पहले बताया है। उसके अलावा आंत्र रोग मैं आपको बता ही चुका हूँ, तिल्ली और लिवर का बता चुका हूँ, कुष्ठ का बता चुका हूँ, उसमें भी चर्म रोग में जो आप प्रयोग करोगे मैंने जो बताया पहले, वो कोढ़ में भी आपको प्रयोग करना, लेप्रसी में भी आपको प्रयोग करना है। अर्स यानी पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, पेरियनॉल एप्सिस, ब्लीडिंग होना, ठीक है, इन सभी चीजों में कैसे इसका यूज करना है दोस्तों, 2 गोली अर्शोगनी वटी, ठीक है, 2 गोली बोलबद्ध रस, 2 गोली आरोग्य वर्धनी वटी, ये एक खुराक सुबह शाम आपको खाने के 1 घंटे पहले 1 कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। खाने के 2 घंटे बाद यदि आप डायबिटिक नहीं है तो अभ्यारिष्ट 2 चम्मच, पुनर्नवारिष्ट 2 चम्मच और पंचारिष्ट 2 चम्मच, ये एक खुराक सुबह शाम लेनी है। और जहां पर अर्श वगैरह है या फिशर है, दूसरी चीजें हैं, वहां पर काशी शादी तेल आपको लगाना है, लगाकर छोड़ देना है 2-3 घंटे के लिए। और मिर्च मसाला खटाई ज्यादा तेल की चीजें, मटर बैगन सेमी भिंडी नहीं खानी, तो इनसे चाहे पाइल्स हो, फिशुला हो, फिशर हो, इसमें बहुत आराम मिलने लगे। यदि बहुत लंबे समय से है तो डॉक्टर की सलाह से और दूसरी अच्छी दवाइयां आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा पथरी, पथरी में आपको क्या करना है, आपको सिस्टोन फोर्ट, हिमालय की 2 गोली सिस्टोन फोर्ट, 2 गोली आरोग्य वर्धनी वटी, सुबह शाम खाने के 2 घंटे बाद 1 कप पानी में 4 चम्मच सिर्फ नीरी KFT मिलाकर सेवन करना है। डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं क्योंकि नीरी KFT शुगर फ्री है, तो सेवन करना, इससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो, चाहे वो आपके किडनी में पथरी हो, उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगेगा। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए विशेष प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी दवा आप मुझसे बुलवा सकते हो, इसका भी सेवन करोगे तो आराम तो आपको मिलेगा पर पूरा आराम गॉल ब्लैडर स्टोन में नहीं मिल पाएगा, ये थोड़ा सामान्य दवा है उसके लिए, ठीक है। बाकी पथरियों में पूरा आराम मिलेगा लंबे समय तक प्रयोग करने पर, जल्दी नहीं सोचें कि जादू हो जाएगा, ऐसा कोई जादू नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब थी आरोग्य वर्धनी वटी के विशेष जो उपयोग हैं, और स्वस्थ रहने के लिए आप हफ्ते में 1 दिन 2 गोली आरोग्य वर्धनी पट्टी खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ लेते रहेंगे तो आपको पेट की समस्याएं या शरीर में इम्यूनिटी की कमी और मोटापा और ये सारी चीजें नहीं होंगी। और हृदय रोगों में 2 गोली प्रभाकर वटी, 2 गोली हृदयार्णव रस और 2 गोली आरोग्य वर्धनी वटी सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप गुनगुने पानी के साथ यदि आप सेवन करते रहते हैं तो एथरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और दूसरी जो भी हृदय रोग है उनमें आपको पूरा आराम मिलेगा। थक्के यदि जमे होंगे नसों में, ठीक है, चाहे हृदय में चाहे मस्तिष्क में, जिसके कारण स्ट्रोक होता है, तो वो थक्के हट जाएंगे और आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। और भी कई रोगों में इसका प्रयोग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण रोग थे जो मैंने आपको बताए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करिए, कम शेयर करिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्किल में। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस पाना तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और यदि
आप मुझसे किसी भी प्रकार की किसी भी रोग की दवा बुलवाना चाहते हैं तो यहां मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर अपनी सारी समस्या नाम नंबर पता वगैरह लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। टाइम दूंगा तब ही मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह दवा चलेगी और एडवांस पेमेंट करके आप दवा बुलवा सकते हो या 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके मुझसे पर्चा लिखवा सकते हो अपने बजट के अंदर दोस्तों। और दोस्तों आप इस दवा इस मेडिसिन का प्रयोग करें, आपको पूर्ण लाभ मिले तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कितना लाभ मिल रहा है। सैकड़ों पेशेंट ठीक हो चुके हैं मैंने मेरे ऐसे वीडियो से, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।